हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एम एन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्बा। आपको यूक्लिड डिवीजन लैम्बा का यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज एदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। यानी कहता है कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कोई भी इंटीजर्स हमेशा आप उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? क्या कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा, जहां पर फॉर सम इंटीजर्स m, m एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, मैंने इसके बारे में बता रखा है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने क्लास 9 फर्स्ट जो उसका इंट्रोडक्शन है उसमें दे रखा है मैंने, फर्स्ट चैप्टर का। तो उसमें आप देखेंगे उसमें क्या है, आपको मिल जाएगा इंटीजर्स। वैसे इंटीजर्स आपके जो होते हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे उसके अंदर। तो यहां पर क्या है आपको, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने यहां मान लिया कि जो x है वो एक एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, कोई भी हो सकता है x, a 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, ये x है, इंटीजर्स है, हमें यूक्लिड डिवीजन लैम्बा लगाना है। यूक्लिड डिवीजन लैम्बा कहता क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां तीन है, तो इस x को हम तीन से डिवाइड कर देते हैं, यानी थ्री को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, q, क्योंकि कोशेंट होता है, थ्री क्यू प्लस r, आपके पास रिमाइंडर r आ गया, क्योंकि x तो कोई डिजिट है, हमें नहीं पता कौन सा है। अब उसको हम डिवाइड करें थ्री से तो क्या आएगा, कोशेंट ही तो आएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं x इक्वल टू थ्री क्यू प्लस r। क्लियर है, x इक्वल टू थ्री क्यू प्लस r, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहां पर, क्योंकि आपको पता है ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर है। तो आप यहां क्या देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लंबा क्या कहता है कि जीरो इज इक्वल टू आर और लेस देन आर, और आर इज लेस देन आपके पास थ्री। ठीक है, ये जाहिर सी बात है। अब आप यहां क्या देखोगे, जो ये आर होगा हमेशा तीन से छोटा होगा, और जो आर हो सकता है हमारा या तो जीरो या जीरो से बड़ा ही आएगा, माइनस में नहीं आता। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, यहां पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, एक तो जीरो, फिर एक आएगा वन, और यहां क्या है तीन है, यानी कि आर जो है वो तीन से छोटा है, तो तीन से छोटा क्या आएगा, दो। क्लियर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं स्टूडेंट एक्स इक्वल टू थ्री क्यू प्लस जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन, और एक्स इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, ये लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सही लिखा है। तो अब आपको पता है थ्री क्यू प्लस जीरो यानी कि थ्री क्यू, यहां तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि आपको स्क्वायर करना है। कहते हैं ना कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर्स, आप इनका स्क्वायर करो तो वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। तो करके देखते हैं, x का स्क्वायर, तो इसका मतलब 3q का स्क्वायर। अब 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 q का स्क्वायर। क्लियर, अब हम बात करते हैं x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर x आपका 3q प्लस 1 है, तो यहां पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कहेगा, वो फॉर्मूला कहेगा आपका ए स्क्वायर, यानी थ्री थ्री सा नाइन, मैं यहां लिख देता हूं आपको पूरा, इजी रहेगा, थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक, तो ये किस फॉर्म में आ गया, थ्री थ्री सा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस थ्री टू सा सिक्स क्यू और प्लस वन वन जा वन आ गया। ठीक, थर्ड है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर। क्लियर है, यहां पे भी ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे,
तो वो थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी आपके पास टू और प्लस टू का स्क्वायर। बेटा ये जो डॉट लगा है मैंने, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा दिया मैंने। तो यहां पे क्या जाता है आपके सामने, थ्री थ्री जा नाइन क्यू स्क्वायर, टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व क्यू और प्लस टू टू जा फोर, ठीक है आपके सामने ये आ गया। अब क्या कहता है, ये कहता है कि m एक इंटीजर है तो मैं इसके टुकड़े करता हूं, तो टुकड़े करूंगा तो क्या आएगा फैक्टर में, आप देखोगे फैक्टर करने पे आता है आपके पास थ्री ब्रैकेट में थ्री क्यू स्क्वायर, सही लिखा है मैंने, कोई गलत तो नहीं है, तीन तीन नौ नौ क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं आप थ्री एम, क्या लिखा मैंने यहां पे थ्री एम, क्यों लिखा, क्योंकि ये एक आपका इंटीजर है, क्या है ये एक इंटीजर, अगर मैं यहां पे इसकी जगह एक रखता हूं और तीन एकम तीन, तीन का स्क्वायर करूंगा तीन तीन नौ, यानी नौ एक क्या है इंटीजर है। इंटीजर्स मैंने बताया था आपको क्या है, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आपका नेचुरल नंबर है वो, तो वो कोई एक नंबर है तो यहां पे एक नंबर आएगा ना, ठीक। तो इसलिए हमने इसको मान लिया, लिख दोगे वेयर एम एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब यहां की बात करेंगे तो यहां पे भी हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आता है हमारे पास थ्री, तो यहां आ जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री बाहर लिया तो टू क्यू और प्लस वन, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, इसे भी हम एम मान लेंगे, तो आपके पास यहां आ जाएगा थ्री एम प्लस वन, ठीक है। सेम वेयर एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब हम यहां कर लेते हैं तो यहां क्या आता है हमारा, यहां की बात करेंगे तो फिर तीन लेते हैं ब्रैकेट, इसमें लेंगे थ्री क्यू स्क्वायर प्लस बारह है तीन आ जाएगा तो चार क्यू, चार है तो इसमें से एक तीन बाहर आएगा तो क्या बचेगा प्लस वन और प्लस वन, ठीक है, क्योंकि तीन एकम तीन और तीन और एक कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया आपका, ये भी क्या होगा एक आपका एम होगा, तो आप यहां लिख देंगे थ्री एम प्लस वन, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट यहां पे क्या देखा आपने, आपने ये देखा कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, थ्री एम प्लस वन, थ्री एम प्लस वन, यानी कि वो सिर्फ थ्री एम या थ्री एम प्लस वन इन्हीं के फॉर्म में आएगा और किसी भी फॉर्म में वो नहीं आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे फिफ्थ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।